हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन। शाहरुख की फिल्म जीरो का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से हर जगह सुर्खियों में छाया हुआ है। जीरो का ट्रेलर हर किसी को इतना पसंद आया है कि इसने यूट्यूब पर भी कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वहीं अब लीजिए, जीरो ने अपना खौफ भी पैदा करना शुरू कर दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि जीरो इस साल 21 दिसंबर को थिएटर्स पर दस्तक देगी। ऐसे में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर कोई शाहरुख खान की जीरो के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करने से डर रहा है। खबरों की माने तो जेम्स वैन के डायरेक्शन में बनी हॉलीवुड फिल्म एक्वामैन की रिलीज डेट बदल गई है। पहले ये फिल्म शाहरुख की जीरो के साथ क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक्वामैन जीरो से मुकाबला करने से डर गई है, इसलिए जेम्स वैन ने अपनी फिल्म को जीरो से एक हफ्ते पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। इसका मतलब एक्वामैन अब 14 दिसंबर को रिलीज होगी। बता दें कि जीरो और एक्वामैन दोनों ही बड़ी फिल्में हैं। ऐसे में अगर दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होती तो इनके बॉक्स ऑफिस पर बेहद ही बुरा असर पड़ सकता था। लगता है एक्वामैन के मेकर्स नहीं चाहते थे कि उनका कॉम्पिटिशन जीरो के साथ हो। यही वजह है कि शाहरुख के सामने आने से भी वो पीछे हट गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख की जीरो का खौफ हॉलीवुड में भी साफ नजर आ रहा है। बता दें कि एक्वामैन में जेसन मोमो और एम्बर हर्ड जैसे स्टार्स नजर आएंगे। वहीं जीरो में शाहरुख के साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ दिखाई देंगी। वैसे आपको क्या लगता है, बॉक्स ऑफिस पर एक्वामैन और जीरो में कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई करेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।